मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों एक अनोखी शादी चर्चा में है। इस विवाह समारोह में पहुंचे मेहमानों को यहाँ आते ही लगा कि वे विवाह में नहीं बल्कि राम जी की नगरी अयोध्या में आए हैं। यहाँ न डीजे बज रहा था न संगीत था, 51 बटुक महाराज मंत्रोच्चार कर रहे थे और इन मंत्रों के बीच रामधुन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यहाँ पहुँचे मेहमान इस खास शादी की तारीफ किए बिना नहीं रहे। दरअसल इन दिनों पूरा देश राम भगवान की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। शहर के होटल, मॉल्स, बाजार, स्कूल सभी जगह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का असर दिखाई दे रहा है। हर जगह भगवान ही भगवान नजर आ रहा है। अब तो शहर की एक खास शादी भी राम भक्ति में देखने को मिली। यह विवाह था शंकर लालवानी के पुत्र का। इस विवाह को उन्होंने पूरा अयोध्या में बनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि रामलला के जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके शुभारंभ के लोकार्पण के अवसर पर पूरा देश समाज दिवाली मनाए, और उसी से प्रेरणा लेकर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इंदौर में एक अच्छा वातावरण बनाए दिवाली का। परिवार में मांगलिक प्रसंग रहा तो इस अवसर पर हम सबने निर्णय लिया कि क्यों न हम इस मांगलिक पर्व को एक उत्सव के रूप में, राम उत्सव के रूप में मनाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने जो स्टेज बनाया है वो रामलला के मंदिर का जो अयोध्या में वो उसकी प्रतिकृति ली है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में जिस जिस प्रकार वहाँ पर विकास हुए हैं उसकी एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। और हमने देखा रामलला की जो जो उनके जीवन के ऊपर जितने भी चर्चा थे उनकी सबकी प्रदर्शनी भी लगाई है। कैनवास पे हमने उनको उकारा है और एक बड़ी प्रतिमा राम जी की है, वीणा है जो अयोध्या में, उसके साथ साथ जो इसका पूरा परिसर है उसका नाम अयोध्या धाम दिया गया है। और उसके साथ जो गायन वादन अब सामान्य तौर पर ऑर्केस्ट्रा रहता है, फिल्मों का रहता है, यहाँ पर मंत्रोच्चार होंगे, वेदों मंत्रोच्चार, तो वेदाचार्य जी आ रहे हैं और वो वेदाचार्य जी के माध्यम से पूरे समय मंत्रोच्चार होगा। हमारे बटुक हैं वो मंत्रोच्चार करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो शास्त्रीय वाद्य है, चाहे वीणा हो या शहनाई वादन हो, वो होगा। तो एक पूरा एक सनातनी जो वातावरण है, जो पुरानी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुरूप हमने प्रयास किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद संभव है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया पूरे देश को दिवाली मनाने का, उस समय मन में आया कि अपने परिवार में भी मांगलिक प्रसंग है और अच्छा प्रसंग है तो क्यों ना इस अवसर पर इस प्रकार की थीम पे हम जाएं, जो आने वाले समय में देश और समाज में ये संदेश जाएगा कि शादी और मांगलिक अवसर पर भी हम इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। वो एक था। और उसमें कलाकारों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा बड़ा एक थीम है, प्रोजेक्ट है, पर उन्होंने लगभग 2 महीने लगे, 100 लोग से ज़्यादा इसमें तैयारी में लगे थे। अब ये जो हमारे बने हैं ये हम अब दूसरी जगह भी इसको कहीं रख के, कहीं ऐसी मंदिर की प्रतिकृति जो बनी है ये परमानेंट है, इसको कहीं दूसरी जगह भी हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर में स्थापित करें ताकि एक अयोध्या का वातावरण इंदौर में और अयोध्या धाम बन सके इंदौर में।